गोरखपुर में स्वास्थ्य विभाग में नौकरी के नाम पर गांव के लोगों से सिपाही द्वारा 28 लाख रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। शिकायत के आधार पर कैंट पुलिस ने आरोपी सिपाही यासीन के खिलाफ जालसाजी और विश्वास हनन का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि सिपाही इस समय पुलिस लाइन में तैनात है और कुछ दिन पहले ही गोरखपुर आया था। कैंट पुलिस ने SSP के आदेश पर कार्रवाई की है। वहीं SSP जोगेंद्र कुमार ने पुलिस लाइन गोरखपुर में रह रहे गाजीपुर जिले के आरक्षी मोहम्मद यासीन को अपने पड़ोसियों से नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से जालसाजी कर धन उगाही करने के मामले में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय जांच की जा रही है। आपको बता दें, गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने क्षेत्र के डोमनपुरवा गांव निवासी शाहिद अंसारी का आरोप है कि गांव का यासीन ही, जो पुलिस विभाग में आरक्षी पद पर कार्यरत है, उसने गाँव के युवाओं को नौकरी दिलाने के नाम पर वसूली की थी। कई लोगों ने एकत्र कर 28 लाख रुपया दिया यह सोचकर कि उनकी नौकरी लग जाएगी, लेकिन सिपाही ने रुपए हड़प लिए। अब नौकरी ना लगने पर रुपए वापस मांगने पर वह वापस नहीं कर रहा है। इस संबंध में पीड़ित ने SSP जोगेंद्र कुमार के पास शिकायत की थी, तो SSP ने आरक्षी यासीन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय जांच का आदेश देते हुए केस दर्ज करने को कहा। कैंट थाने की पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।